ने ये देखा है कि हेड ऑफिस में जो ट्रांसफर है प्लॉट्स के जी वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गए। हमारा जबरदस्त, विजिट हुआ था हेड ऑफिस में, हम बिल्कुल इन्वेस्टर्स के पास ये एक बहुत जबरदस्त चांस है अभी भी कि वो एक इंतहाई अच्छे रेट्स पे प्लॉट्स को परचेज कर सकें और उतने अच्छे मार्केट से, और माशाल्लाह, मार्केट उठना शुरू हुई है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में नवंबर के महीने, नवंबर के एंड दिसंबर के शुरू या मिड तक मार्केट जो है वो बाहर होना शुरू हो जाएगी अच्छे इंशाल्लाह। तरीके ये से। तो आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दी है अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, जी करें कि आने वाला वक्त जो है उनको सिक्योर भी करें और डबल करके दे वो पैसे हमको। अल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ महीने के अंदर और भी गुड न्यूज़ जो है बैरियडॉन में आपको मिलेंगी लॉन्चिंग के हवाले से, जिस तरह पहले न्यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अयाज खान बैरियडॉन कराची से आज हम मौजूद हैं मोहसिन साहब के साथ। कैसे हैं मोहसिन साहब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह हैं? सर, आप आज कैसे मैं हैं? दोबारा हाजिर हुआ हूँ बैरियडॉन की लेटेस्ट अपडेट्स लेके आपके पास। तो एक्सपर्ट हैं मोहसिन साहब भी बैरियडॉन के, तो उनके उनसे हम बात करेंगे कि बैरियडॉन में अभी क्या खुशखबरियां हैं, बैरियडॉन में क्या ऐसा जो चल रहा है फी डेज से कुछ दिनों से। तो बैरियडॉन के मार्केट के हवाले से बात करेंगे, फर्दर ओवरऑल पूरे बैरिया को भी हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर करने जाएंगे कि बैरिया में क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर लेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगी। तो बात शुरू करते हैं। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि बैरिया में अभी जो कुछ दिनों से सेल परचेज का रुझान है वो क्या है, किस तरह हो रहा है, प्रोजेक्ट की तरफ ज्यादातर लोग आ रहे हैं या जो है वो प्लॉट्स की तरफ आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं अपने क्लाइंट्स को। पिछले तकरीबन 1 वीक से हम लोगों ने ये एक्टिविटी देखी है कि ना सिर्फ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा करना शुरू हो गए, बल्कि हमने ये देखा है कि हेड ऑफिस में जो ट्रांसफर है प्लॉट्स के जी, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गए। हमारा जबरदस्त, विजिट हुआ था हेड ऑफिस में और हमने ये देखा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट 4 मंथ्स वो विजिट करना शुरू हो गए हैं। ऑब्वियसली उनके ट्रांसफर्स हैं, और ट्रांसफर यूँ हो रहे हैं क्योंकि जो रेट्स हैं इस वक्त बहरिया टाउन के प्लॉट्स के वो इंतहाई लो हैं। बिल्कुल इन्वेस्टर्स के पास ये एक बहुत ज़बरदस्त चांस है अभी भी कि वो एक इंतहाई अच्छे रेट्स पे प्लॉट्स को परचेज कर सकें और अपनी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो है वो दुगना या तिगना कर सकें। तो खबरें अच्छी हैं मार्केट से और माशाल्लाह, मार्केट उठना शुरू हुई है। बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट मंथ में नवंबर के महीने में होंगी। बिल्कुल एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, नवंबर के एंड दिसंबर के शुरू या मिड तक मार्केट जो है वो बहाल होना शुरू हो जाएगी अच्छी इंशाल्लाह। तरीके से। ये तो आपने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे दी है अपने क्लाइंट्स को, जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, जी कि बैरियडॉन में जो इंटरेस्टेड होते हैं, बैरियडॉन में सबसे पहला जो क्लाइंट का या हमारे व्यूवर्स का सवाल ही ये होता है कि बैरियडॉन में हो क्या रहा है, बैरियडॉन की मालूमात वो चाहते हैं, बैरियडॉन को वो देखना चाहते हैं, बैरियडॉन में जो इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, जो प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं हमारे। तो जिस तरह पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोजेक्ट और लैंड में उसमें क्या आने वाले वक्त में क्या डिस्टेंस आएगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बताएं और ओवरऑल व्यू के हवाले से बताएं कि क्लाइंट जो है हमारे उनको पता चले कि वो किस चीज में ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करें कि आने वाला वक्त जो है उनको सिक्योर भी करे और डबल करके दे वो पैसे उनको। देखिए, लैंड के मुकाबले में जो डेवलप लैंड होता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही ठीक है, है, लैंड बहरिया टाउन में पिछले 6 साल से लैंड की इन्वेंट्री ज़्यादा रही है। लास्ट 1.5-2 ईयर से जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनकी डिमांड में इजाफा हुआ है। ज्यादा हो गया डेवलपमेंट्स माशाल्लाह। इन अ सेंस के वहाँ पे जो है वो ग्राउंड प्लस 18 के मेन जना एवेन्यू पे आपके जो कंस्ट्रक्शन फेजेस में इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं, ना सिर्फ ये कि क्लाइंट्स का उनकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ा है अपार्टमेंट्स बुक करने पे, एक कमर्शियल शॉप बुक करने पे, कमर्शियल शॉप या कमर्शियल शोरूम बुक करने पे या एक छोटी कमर्शियल शॉप बुक करने पे एज पर योर अफोर्डेबिलिटी एंड योर कैश फ्लोज। तो डेवलप प्लॉट्स में या डेवलप जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वक्त उसमें लोगों का रुझान ज़्यादा है, उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और आने वाले वक्तों में जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें भी मैं अपने हाइंडसाइट में ये देखता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे बनिस्बत प्लॉट से। हाँ, प्लॉट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर बनाना चाह रहे हैं लैंड परचेज करके, इफ़ नॉट दे हैव गॉट द लैंड ऑलरेडी,
तो उसमें जो है वो सेल परचेज मुमकिन है, एक्सपेक्टेड है कि समवन वांट्स टू बिल्ड अप हिज ओन हाउस, ही वांट्स टू परचेज द लैंड फर्स्ट एंड देन ही वांट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। अदरवाइज अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक प्लॉट परचेज करके उस पर आप अपना घर तामीर करें, तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर एन अपार्टमेंट बुकिंग, और जो कि बहुत ही आसान पेमेंट प्लान्स हैं। जैसे जिना ट्विन टावर का हमारा पेमेंट प्लान हम बुक कर रहे हैं 20% से। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे फीजिबल जो है वो पेमेंट प्लान हैं जिसमें आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपकी कैश फ्लो के हिसाब से बुकिंग्स पे आपको अच्छा एक फ्लैट अपार्टमेंट बुक करने को मिल जाता है, नेक्स्ट 4 to 5 years में आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर आप उसको ट्रेड करना चाहें मार्केट में बिफोर द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, तो वो भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप कमर्शियल शॉप में इसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है इस वक्त मार्केट में। ये जिस तरह मोहसिन साहब ने आपको बताया कि पूरे एक ओवरऑल माशाल्लाह से बहुत अच्छा इन्होंने एक अपनी राय दी, इसके साथ मैं इंक्लूड करता चलूं बैरिया में अब जो है इंशाल्लाह ताला बैरिया दोबारा जो है ऑलरेडी वो डेवलप था, लेकिन बैरिया के आपको सोशल मीडिया के ऊपर और जितने भी चैनल्स हैं उसके ऊपर आपको चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई होंगी कि बैरिया जो है वो अपने आप को अब जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसको शो ऑफ करने जा रहा है और शो ऑफ कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी आबादी है 45+ फैमिलीज रह रही हैं। तो बैरिया के ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं, बैरिया को ओवरऑल हम बात भी कर रहे हैं, प्राइवेट प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बैरिया जो है अपने इलाके को अपने प्रेजेंट को जो है वो डेवलप करता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कुछ महीने के अंदर और भी गुड न्यूज जो है बैरिया टाउन में आपको मिलेंगी लॉन्चिंग के हवाले से। जिस तरह पहले न्यू डील्स आई उसके बारे में हमने आपको बताया भी कि प्रेजेंट 4 और 7 में जो कटिंग आई है उसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल हैं अभी भी, और उसके हवाले से बात करते चलूँ अभी ज्यादा हाइप जो आई है क्योंकि बैरिया ने जो 23A के विलास थे मौसी साहब, 23A के जो लॉस के उसकी डिटेल जो है बैरिया ने अभी लास्ट जो मर्जिंग के हवाले से ये अवेयरनेस देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि बैरिया ने जो 30 अक्टूबर लास्ट जो दी हुई है, इस दफा लास्ट चांस दिया हुआ है जिनके पास डिस्प्यूटेड फाइल है उसको कन्वर्ट करने के लिए मर्जिंग के लिए, तो उसके हवाले से कुछ मैसेज देना चाहेंगे जी जिन लोगों ने बैरिया प्रेजेंट 23 की बात करें। नहीं, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो पूरा बैरिया उसके भी बैरिया ने उसको भी दिया है और दूसरी जो आउट ऑफ बाउंड्रीज फाइल है उसको भी दिया है। लास्ट डेट जो मर्जिंग की दी है उन्होंने, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि अपने व्यूवर्स को ये बताएं कि ये एक्सटेंड मेरे हिसाब से बैरिया ऑलरेडी इतने सालों से एक्सटेंड कर रहा है जी, लेकिन ये बैरिया ने लास्ट उन्होंने चांस दिया है अपने क्लाइंट्स को, अपने जितने भी लोग हैं कस्टमर हैं कि वो आके इसको अभी भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सेटल कर लें, उसके हवाले से बताएं कि ये लास्ट ही होगा या इसके आगे भी कुछ होगा। देखिए बहुत आपने टचिंग पॉइंट को टच किया है बिल्कुल, और वो हमारे जो क्लाइंट्स जिनके पास इस वक्त एक ऐसी फाइल है जो कि आउट ऑफ बाउंड है, डेड फाइल है ठीक है, कैंसल्ड हो गई किसी वजह से या वो प्लॉट बैरिया की बाउंड्री से बाहर चला गया, दैट मींस कि आपके पास वो प्लॉट नहीं है, सिर्फ आप एक फाइल रखते हैं जिसकी आपने या तो 70% पेमेंट या 100% पेमेंट की आपने की हुई है, ठीक है। दैट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ बहरिया टाउन, एंड मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि बहरिया को जल्द अज जल्द जो है वो उनको कंपेंसेट करना चाहिए। रीज़न बींग ये है कि जब हम किसी भी ऐसे क्लाइंट से बात करते हैं या प्रॉस्पेक्ट से बात करते हैं तो वो हमारे पास सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ट्रस्ट का इशू आता है, क्योंकि और हाँ अब उनके लिए हम लोगों ने जो एक एफर्ट किया है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी फाइल है जिसके आप होल्डर तो हैं लेकिन प्लॉट आपके पास नहीं है, तो आप हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी फाइल को 100% एडजस्ट करवा सकते हैं। हम इसका तरीका का ये करते हैं कि आपकी जो टोटल अमाउंट पेड है बहरिया की बहरी में जो आपने जमा कराई है उसको हम अपने पास अपार्टमेंट में एडजस्ट करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उसकी आपको इंस्टॉलमेंट्स बना देते हैं। जबरदस्त, ठीक हो गया। हम एज अ प्राइवेट बिल्डर ये कर सकते हैं कि आप अगर हम हमसे रब्ता करें और अपनी फाइल की इंफॉर्मेशन अगर आप हमें दें, हमारे पास आए मीटिंग करें, तो हम आपकी कंप्लीट फाइल जो है अपने प्रोजेक्ट में मर्ज कर रहे हैं और आपको एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट हम उसके बदले में दे रहे हैं। तो आपका टोटल रिस्क जो है वो हम उठा रहे हैं, ठीक है।
बहरिया जो है वो एक अपार्टमेंट के मालिक बन जाते हैं, तो ये विन विन सिचुएशन होता है दोनों के लिए। ये बहुत अच्छी न्यूज है कि बैरिया ने अभी तक अपने क्लाइंट्स को, जिस तरह मोहसिन साहब ने आपको बताया कि अभी तक अपने क्लाइंट्स को वो फेवर ही देगा इंशाल्लाह। बैरिया टाउन कभी भी अपने क्लाइंट्स को मायूस नहीं करता है। तो इस तरह जिस तरह इन्होंने बताया कि मर्जिंग की अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपने प्लॉट को जो एक डेड फाइल है, बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्री है, जिसका कोई फायदा नहीं है, वो 1590 की फाइल है, 20 की है, 30 की है, 40 की है, 55 लाख की है, जिस अमाउंट की फाइल है, जिस प्रेसेंट के अंदर है, वो भले 125 गज का प्लॉट हो, 250 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, वो सारी हमारे पास अवेलेबिलिटी मौजूद है प्राइवेट बिल्डर के पास, वो उसको हम मर्ज कर सकते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर। तो अगर आप इसको जल्द से जल्द अगर मर्जिंग की तरफ आना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। आज हमने बात की बैरिया टाउन के हवाले से, जो बैरिया टाउन में जो मार्केट सिचुएशन थी ये माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है अब ग्रो कर रही है, क्या कह रहे हैं, ग्रो ही कर रही है ना मार्केट हफ्ते से 10 दिन से। जी बिल्कुल, ग्रोइंग फेज में है इस वक्त, और जो जो हालात अच्छे होते जाएंगे ओवरऑल पाकिस्तान के, वैसे वैसे मार्केट जो है वो और स्ट्रेंथ पकड़ती भी चली जाएगी, और हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, नंबर वन। नंबर टू के उनकी जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी उनके पास अच्छी जो है वापस आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके साथ हमें आप इजाजत दें, आज जो ओवरऑल हमने बात की, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कोई अपनी क्यूरीज हो दिए गए नंबर पर हमसे, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं हमें। तो अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।